रामनगरी में तीसरे वर्ष होने वाला दीपोत्सव प्रशासन के लिए चुनौती बन गया। दीपोत्सव को लेकर पिछली बार की अपेक्षा इस बार अधिक भव्यता की अपेक्षा थी, लेकिन बीते दिनों लगातार खराब मौसम के चलते मुख्य कार्यक्रम स्थल राम की पैड़ी का सौंदर्यकरण का काम अधर पे लटक गया। शासन और प्रशासन से जुड़े लोगों ने पिछले दो वर्षों से अधिक भव्य दीपोत्सव बनाने की बात का दावा किया था, जिसमें राम की पैड़ी पर दीपोत्सव के बने पिछले रिकॉर्ड को तोड़कर नया रिकॉर्ड बनाने के लिए अवध विश्वविद्यालय तैयारियों में जुट गया। तो वहीं अयोध्या के प्रमुख मंदिरों पर भी दीप जलाने की कवायद चल रही है, लेकिन राम की पैड़ी के सुंदरीकरण में देरी कहीं इन अरमानों पर पानी न फेर दे। तो वहीं अयोध्या के प्रमुख मंदिरों पर भी दीप जलाने की कवायद चल रही है, लेकिन राम की पैड़ी के सुंदरीकरण में देरी कहीं इन अरमानों पर पानी न फेर दे। रामनगरी अयोध्या में 26 अक्टूबर को होने वाला दीपोत्सव चुनौती भरा है, जिसका कारण है राम की पैड़ी पर चल रहे सुंदरीकरण और अविरल धारा प्रवाह के काम में देरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ कार्यक्रम से जुड़े सभी ने राम की पैड़ी के सम सुंदरीकरण कार्य को पूरा करने के लिए 30 सितंबर की गाइडलाइन दी थी, लेकिन दीपोत्सव में अब चंद ही बचे हैं, लेकिन अभी भी राम पैड़ी का काम आधा अधूरा ही है। स्थानीय लोगों की माने तो जिस गति से सुंदरीकरण का काम चल रहा है, या तो पूरा नहीं हो पाएगा और जल्दबाजी में पूरा किया गया तो बस खाना पूर्ति ही होगी। लेकिन इससे जुड़े लोग हो या फिर स्थानीय विधायक, इस देरी का कारण खराब मौसम और बरसात बताते हुए पल्ला झाड़ रहे हैं। तो वहीं अभी भी दीपोत्सव तक काम पूरा कर लेने का दावा कर रहे हैं। देखिए, निश्चित रूप से एक डेडलाइन दी गई थी कि 30 अक्टूबर के अंदर ये पूरा होना चाहिए, लेकिन आज तो 4 तारीख है। दिक्कत क्या है कि इधर बारिश काफ़ी लगातार 10-12 दिन पानी की लगातार रहा कि बारिश रही, और निश्चित रूप से बारिश में काम में कहीं ना कहीं दिक्कतें आई, विघ्न पड़ा, और जो काम पूरा हो जाना चाहिए समय से वो नहीं हो पा रहा है। लेकिन विश्वास करते हैं और अधिकारी लोग भी कह रहे हैं, और अभी हमारे जिलाधिकारी भी इसका सर्वे किए थे, मैंने भी जाकर देखा था और ये बात उन अधिकारियों के साथ कही थी। मुझे लगता है कि निश्चित रूप से पूरा हो जाएगा दीपोत्सव से पहले। देखिए भाई साहब, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रोजेक्ट है और इस पर जो है कहीं ना कहीं ये विश्व को इससे जोड़ते हैं। दीपोत्सव का कार्यक्रम करके विश्व रिकॉर्ड बनाने के हमेशा अपने आप को आधारशिला रखते हैं, तो इनको कोई भी अधिकारी होगा या कोई भी हो या ठेकेदार है तो इतना बजट माननीय मुख्यमंत्री जी जितना लगना चाहिए उतने में तब तक रामपल्ली स्वर्ग हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक हुआ नहीं। तो हम कह रहे हैं अगर 2 दिन में अगर ये बनाना होगा तो अधिकारी लोग अपनी मतलब नौकरी बचाने के लिए इसको मेंटेन कर देंगे, लेकिन जो मजबूती होनी चाहिए काम की वो नहीं हो पाएगी। इसके लिए मैं आप चाहे जहाँ कहिए मैं इसको स्टाम्प पे लिख कर दे सकता हूँ कि आप अगर रामपल्ली में आप ठीक से अगर जाँच करा लीजिए तो केवल पत्थर ऊपर से रख दिए गए हैं, और पत्थर जैसे ही कार्यक्रम खत्म होगा यहाँ पे आवागमन चालू होगा, मुश्किल से 15 से 20 दिन के अंदर आवागमन चालू होने के बाद ये पत्थर तो टूट जाएंगे। इसके पहले भी हमने देखा कि कम से कम 5 से 6 बार यही पत्थर लगाए गए, मतलब 3 बार दीपोत्सव हुआ, 3 साल में कम से कम 6 से 7 बार एक ही पत्थर को उजाड़ा लगाया गया है। तो ऐसे जब से इतनी मजबूत काम आपको करना चाहिए कि पैसे का जो जनता का पैसा है उसका जो दुरुपयोग ना हो, कहीं ना कहीं आप देखिए जनता के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी अपना नाम करने के लिए अथाह बजट दिए जा रहे हैं लेकिन उसका कोई सदुपयोग नहीं हो पा रहा। 3 से 4 तीसरी बार दीपोत्सव होने जा रहा है, लेकिन आप पड़ी का भी स्थिति देख लीजिए, बहुत दयनीय स्थिति में है। आज तक एक प्रोजेक्ट उनका कंप्लीट नहीं हो पाया, जबकि बजट पे देखिए हर बार कहीं ना कहीं करोड़ों से नीचे बात ही नहीं होती है, और वो कई मतलब 100 करोड़ों से ऊपर जो प्रोजेक्ट हो चुका है। अगर 100 करोड़ प्रोजेक्ट अगर आप कहीं लगा दिए होते तो आप गाँव बसा सकते थे, आप गाँव बस भी गया होता और लोग आपको दुआएं भी देते। अब यहाँ एक रामपल्ली आज तक कम्प्लीट नहीं हो पाई, आप देखिए सब उजड़े उजड़े ही नजर आ रहे हैं। अच्छा, चूंकि अविरल धारा बहाने की बात की थी मुख्यमंत्री ने, कहाँ तक दिख रहा है काम पटल पे, क्या दिख रहा है कि चालू हो जाएगी? भाई साहब, बात अविरल धारा की तो आपने कही ठीक है, अविरल धारा बह रही है, हर की पानी की तरह तर्ज पे बनेगा, ठीक है बन जाए तो अच्छी बात है, लेकिन अभी तो कोई धरातल पे इसका वजूद मुझे नजर नहीं आ रहा कि ऐसा हो पाएगा, क्योंकि जो गहराई थी आप हर की पड़ी में देख लीजिए गहराई है, यहाँ पे केवल आप गहराई देखेंगे केवल 4 सीढ़ी नजर आ रही है, 4 सीढ़ी के ऊपर अगर पानी बहला मतलब बहा के आप अविरल धारा दिखाना चाहते हैं तो आपकी कहीं ना कहीं आप नाकाम है, आप ये कामयाबी नहीं है आपकी। हर की पैड़ी में कम से कम नीचे पानी को पता तक जाती है, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं, केवल 4 सीढ़ियाँ हैं, आप विजुअल देख लीजिएगा, 4 सीढ़ियाँ से पानी प्रवाह करेंगे। अब मुझे लगता है केवल ये जो 4 सीढ़ियों पानी जो जाएगा केवल माननीय मुख्यमंत्री जी जब आएंगे तो उनके सामने अधिकारी लोग प्रवाह करके दिखा देंगे चाहे जैसे, उसके बाद फिर वो भी जो है बंद हो जाएगी। देखिए हो जाना चाहिए क्योंकि शासन प्रशासन पूर्णतया यह प्रयास कर रहा है कि दीप उत्सव के पहले यह संपन्न हो जाए,
और यदि राम की पैड़ी संपन्न नहीं होता तो इतना भव्य दिव्य जो दीप उत्सव मनाया जाएगा उसमें एक कमी रह जाएगी, कोई कमी नहीं रह जाए, यह विश्व की पहली यह दीपोत्सव है जो कभी भी और देशों में इस प्रकार से नहीं हुआ था, और ये जो झलक मिलेगी वो त्रेता युग की झलक मिलेगी। ऐसी स्थिति में राम की पैड़ी मैं चाहता हूँ और यहाँ के शासन प्रशासन पूर्णतया रात दिन मिल करके और जिस स्थिति में हो इसको दीप उत्सव के पहले संपन्न कर दिया जाए, नहीं तो जिस भव्यता दिव्यता से दीप उत्सव मनाया जाएगा उसे एक राम की पैड़ी पूर्ण न होने से एक कमी रह जाएगी जो देखने में एक उदासीन सा लगेगा।